आ गया ना देखते ही मुंह में पानी। हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ओजन किचन में आप सबका। तो आज कल आई हूँ मैं आप सबके लिए थोड़ा सा हॉट, थोड़ा सा टेस्टी या फिर थोड़ा सा स्पाइसी। हॉट, टेस्टी, स्पाइसी, इन तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आज की ये सेव टमाटर की सब्जी, जो कि हमारे सभी ट्रक ड्राइवर भैया या जो भी जितने भी बस वगैरह चलाते हैं ना, रोडवेज बस है या प्राइवेट बसेस है, जो भी ट्रैवलिंग में रहते हैं, जिनका ट्रैवलिंग से काम पड़ता है ना, हमेशा वो लोग यही सब्जी जितने भी ढाबे हाईवे पे होते हैं या किसी भी होटल में जाएंगे ना, तो यही सब्जी बनवा के और यही जो है खाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब्जी जो है बनती है बिल्कुल फ्रेश, और उन्हें करना पड़ता है सफ़र, तो उन्हें लगता है कि बिल्कुल फ्रेश और ताज़ी सब्जी अपनी आंखों के सामने वो बनवाते हैं, और बहुत ही चाव से यम्मी डिलीशियस ये हमारे राजस्थान के जोधपुर शहर की सब्जी बनवा के खाते हैं। चलिए आज की रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कहने को तो सेव टमाटर की सब्जी बहुत ही आसान होती है कि भैया ये दो चार इंग्रेडिएंट्स डाले, सेव डाली और सब्जी तैयार, लेकिन ऐसा नहीं होता है। परफेक्ट तरीके से आज हम बनाएंगे ये ऑथेंटिक तरीके से, कौन कौन से इंग्रेडिएंट से बनती है ये राजस्थान के जोधपुर शहर की वर्ल्ड फेमस सेव टमाटर की सब्जी। स्टार्ट करें तो यहाँ जो तैयार पड़े हैं इंग्रेडिएंट्स, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स पे कैमरा घुमाते हैं और फिर साथ साथ बनाते जाएंगे और साथ साथ आपको बताते जाएंगे कि क्या क्या मैंने कब कब कितना कितना डाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इतने सारे इंग्रेडिएंट्स देखिए, अगर आपको इनको देखकर लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल काम है, तो बिल्कुल नहीं। ये वो सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो आपकी रसोई में हमेशा होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं साथ साथ कि क्या क्या है ये और कितने कितने डालने हैं। तो गैस के बर्नर को कर दिया ऑन और रख दी मैंने इस पर कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दिया मैंने एक बड़ा चम्मच ऑयल। जब तक तेल गर्म होता है तब तक मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर जो सेव इस्तेमाल होती है और ओरिजिनली वो होती है लौंग वाली सेव, और मैंने भी यहाँ पे लौंग वाली सेव ली है। 10 रुपए का एक पाउच मैंने यहाँ पर लिया है, जो कि मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी कंपनियों के ये लौंग वाली सेव के 10-10 रुपए के जो पाउच मिलते हैं, एक पाउच की हम यहाँ सब्जी बना रहे हैं। तेल गर्म हो गया है, मैंने यहाँ डाला है 1/4 टीस्पून जीरा और 1/4 टीस्पून राई। ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक पाउच नमकीन के एक पाउच के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पर मैंने एक ड्राई रेड चिली ली है जिसे मैंने तोड़ के डाल दिया है, और एक तेज पत्ता। उसके अलावा मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया है दालचीनी का और एक लौंग, और साथ ही हम डालेंगे यहाँ पर 2-3 चुटकी हींग। राजस्थान की सब्जी हो और हींग का इस्तेमाल ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं हूँ राजस्थान के जोधपुर शहर से। और अब 3 से 4 गार्लिक यानी कि लहसुन की कलियों को मैंने बारीक चॉप कर लिया है और उसे भी इन मसालों के साथ में डाल दिया है। और ये है एक मीडियम साइज का प्याज, इसको कर लिया मैंने बारीक चॉप, और इसमें से बस थोड़ा सा हम जब सब्जी को खाएंगे ना रोटी के साथ गर्मा गर्म, थोड़ा सा मैं यहाँ बचाऊंगी और बाकी चॉप किया हुआ प्याज जो है यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। मीडियम साइज का प्याज लेना है, बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं। शॉर्ट में यूं समझ लीजिए कि ये जो सब्जी बनाने वाला बड़ा वाला चम्मच दिख रहा है ना आपको मेरे हाथ में, ये वाले 2 बड़े चम्मच चॉप किया हुआ प्याज, हम इतना प्याज का इस्तेमाल करेंगे। 1 ग्रीन चिली जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया, वो भी हमने इसके अंदर डाल दी है। और अब इन सभी मसालों को यानी कि सभी प्याज, लहसुन और ये जो साबुत मसाले हैं, इन सबको अच्छे से मैंने 3-4 मिनट तक भुना है ना। इसे बहुत ज़्यादा काला लाल नहीं करना है, बस कच्चापन चला जाए और हल्का हल्का आपको देखे ना कि कलर आने लगा है प्याज पे, गोल्डन गोल्डन हल्का हल्का सा, बहुत ज़्यादा लाल काला नहीं करना है। उसी समय गैस की आँच को कर देंगे धीमा और डालेंगे हम सूखे मसाले। उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा धनिया पाउडर और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। अभी सूखे मसालों को अच्छे से मिला लेंगे, लेकिन ये मसाले जले ना, तो हमने डाल दिया इसमें 1 मीडियम साइज़ के टमाटर का आधा टमाटर बारीक चॉप करके। और अभी टमाटरों को जो है ना अच्छे से सॉफ्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 कप पानी डाल दिया है और इसे भी अच्छे से चला लिया है। अब इस ग्रेवी को अच्छे से पकाएंगे हम 2 मिनट तक ढक्कन लगाकर, जिससे टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से मसाले भी सारे पक जाएं। इसी बीच में हमने यहाँ पर लिया है 4 से 5 टेबल स्पून दूध और 2-3 टेबल स्पून हमने लिया है दही। इनको अच्छे से मिक्स कर देना है। अक्सर आपने ढाबों में देखा होगा जब हम पूछते हैं कि ये आप दही डाल रहे हैं, पतला सा एक दही बना हुआ होता है ढाबे वालों के पास में, उसके अंदर वो लोग दही के साथ में दूध भी मिला के रखते हैं। दूध दही की खटास को बिल्कुल बैलेंस करता है। तो ये दूध और दही के मिक्सचर को हमने ढक्कन हटा के लगभग 1.5 मिनट के बाद में मैंने ढक्कन हटा दिया और अब मिला दिया हमने इस दूध और दही के
मिक्सचर को इसी ग्रेवी के अंदर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक इसमें उबाल ना आ जाए तब तक आप इस चम्मच को चलाते रहेंगे। और अब हमने एक कप पानी और डाल दिया है और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। और साथ ही आपको याद होगा कि अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है, तो नमक अब हम डाल देंगे क्योंकि देखिए आने लगा है उबाल। नमक वही स्वाद अनुसार, लेकिन भूलिएगा नहीं कि नमकीन की सब्जी बन रही है तो नमकीन ऑलरेडी नमक से भरपूर होती है, तो नमक आप उसी हिसाब से डालें। बस जैसे ही आएगा ग्रेवी में उबाल हम डाल देंगे ये हमारी लौंग वाली सेव का एक पूरा पैकेट। और इसके बाद में जैसे ही उबाल आएगा हम डालेंगे इसके अंदर कसूरी मेथी आधा टेबल स्पून क्रश करके, और अगर आपकी इच्छा हो तो 2-3 चुटकी जो है गर्म मसाले की भी इस तरह से डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म मसाला डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम तड़के के अंदर गरम मसालों, साबुत गरम मसालों का इस्तेमाल कर चुके हैं। और बस गैस की आंच को कर दीजिए बंद। बहुत ज्यादा इस सब्जी को नहीं पकाया जाता है। इस सब्जी को कितना पकाते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ही ग्रेवी में उबाल आता है और हम सेव डाल देते हैं उसी समय हमें गैस की आंच को बंद कर देना होता है। इस सब्जी को जब आपको खाना खाना हो उसी समय सर्व किया जाता है, उसी समय बनाया जाता है। इस सब्जी को बनाकर बहुत लंबे टाइम तक नहीं रखा जाता है। हरे धनिए से गार्निश कर लेंगे इसका, तो है ना बहुत ही आसान। और सारे इंग्रेडिएंट्स आपकी रसोई में, ये है हमारे राजस्थान के जोधपुर शहर की ऑथेंटिक स्टाइल में बनने वाली सेव टमाटर की यमी और डिलीशियस वाली सब्जी। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप ये सब्जी कब बनाने वाले हैं। और चैनल को तो आपने अब तक सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओजोन किचन और ओजोन वाइब्स दोनों चैनल को, ओजोन वाइब से मेरा ब्लॉग वाला चैनल जहाँ मिलेंगे आपको बहुत सारे टूर ट्रेवल और या फिर आपकी या मेरी लाइफ या किसी और की लाइफ के बारे में बहुत सारे ब्लॉग। तो जल्दी से फटाफट से सबसे पहले बनाइए ये सेव टमाटर की सब्जी बिल्कुल हमारे अंदाज में, जोधपुरी अंदाज में। मैं जल्दी मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ में, हॉट टेस्टी स्पाइसी स्वाद लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।